भोजपुरी की श्रेणी दहाड़ने वाले बिग बॉस में हंगामा मचाने वाले क्या बिग बॉस के साथ यानी कि हमारे बिग बॉस यानी कि बादशाह भाई के साथ गाना लेके आने वाले हैं। तो नमस्कार, मैं नीजो स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल आइडिया न्यूज में। तो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो लाल बटन दिख रहा है ना भाई साहब, उस पर क्लिक मार दो। तो जी हाँ भाई साहब, अक्षरा सिंह जलवाना बखूबी चल रहा है। बिग बॉस से बाहर आने के बाद ना जो ग्राफ है ना, पब्लिसिटी लेवल है ना, पॉपुलेशन वाले जो वो कहते हैं ना अंदाज, एकदम और वायरल है। भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ साथ अब तो बॉलीवुड वाले लोग भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और उनके फैन फॉलोइंग बॉलीवुड में भी काफ़ी दमखम बना लिया है। और इसी कड़ी में के जो कहते हैं ना कि उनका अंदाज जो वायरल हो रहा है उसको लेकर एमजी और जिसान खान ने पहले ही कह दिया कि कुछ नया भूचाल आने वाला है। और साथ ही साथ बी पार्क के साथ तो वीडियो आ ही रहा है। अब ऐसे में एक और खबर आ रहा है कि बादशाह के साथ भी, जी हाँ, यानी कि बिग बॉस म्यूजिक इंडस्ट्री के एकदम बादशाह वाले, रैपर वाले, डीजे वाले बाबू, मेरा गाना बजा दो, गाना बजा दो, गाना बजा दो, और अभी बचपन वाला प्यार, जी हाँ, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। तो इस तरीके से जिस तरीके से वो भूचाल मचाते, अब खबर आ रही है कि अक्षरा सिंह बादशाह के साथ म्यूजिक वीडियो करते हुए नजर आने वाले हैं। जी हाँ, बी पार्क के साथ तो पहले ही खुलासा कर दिया गया था और बिग बॉस के बाहर निकलते के साथ भी उन्होंने एक अपना रील डाल दिया है, लेकिन बादशाह के साथ अभी तक कोई रील और ऐसा ऑफिशियली खबर सामने नहीं आ रहा। लेकिन सूत्रों से हवाले से खबर आ रही है कि भैया अक्षरा सिंह और बादशाह का कुछ नया, कुछ खिचड़ी प्रक्रिया, कुछ बहुत बड़ा वाला खिचड़ी प्रक्रिया तवे पर चढ़ी हुई है, यानी हांडी में चढ़ चुका है। वो पकेगा कब, पक के उतरेगा कब, यानी कि पक के यानी शूट होके गाना कब आएगा, इसका खुलासा बहुत जल्दी होने वाला है। लेकिन आजकल ना अक्षरा सिंह के ना जलवे दबा के चल रहे हैं, हर जगह छाई हुई है, मीडिया में तो सुर्खियां बटोर दिया। और खास करके जिस तरीके से करण जौहर ने बाहर निकाला है ना गेम को लेकर, करण जौहर और बिग बॉस के ऊपर नेपोटिज्म का धब्बा एक बार फिर से लग चुका है। क्या कहना अक्षरा सिंह और बादशाह को इस म्यूजिक वीडियो के बारे में? कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। धन्यवाद।